हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबह और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज एक वेट लॉस का चूर्ण लेके आए हूं, थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड फॉर्म है, बिकॉज इस चूर्ण से आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, नेल्स बहुत अच्छे होंगे, हेयर्स बहुत अच्छी होगी और आपकी एज रुक जाएगी। यानी कि अगर आप 40 के हो तो अगर आपने इसे 6 महीने तक लगातार ले लिया तो आप 30 तक के लगने लगोगे। 30 के हो, 20 के, 20 के हो तो आप 13 to 14 के इजी होके लगोगे, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज है जो आपकी एज को बहुत ही ज्यादा डिफाइन करती है और ये चीज आपकी स्किन में एक ऐसा ग्लो देगी कि आप सोच भी नहीं सकते और इसका रिजल्ट आपको 20 दिन में ही असर दिखाई देने लगेगा। यानी 20 दिन के अंदर ही आपकी फाइन लाइंस जाने लगेंगी, आपके यहाँ का ब्लैकनेस जाने लगेगा और दूसरी चीज आपका वेट इतना तेजी से जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मिरेकल रिजल्ट होगा आपकी बॉडी पे, बॉडी से गंदगी ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, जहां कहीं भी गंदगी है बॉडी की ये निकालेगा। और क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत ज्यादा फाइबर है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने काफी रिसर्च करके बनाया है और अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, वेट मैनेज होगा, स्किन ग्लो करेगी, पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ फाइबर मैंने इसमें ऐड किया है। कैसे लेना है वो वीडियो में आगे है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन लगी है, छोटी सी घंटी लगी है, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पैन लेना है या कढ़ाई लेनी है, मतलब थोड़ा सा मोटी तरी वाला आपको बर्तन लेना है, उसे गर्म करना है। उसमें आपको 2 चम्मच सौंफ डालनी है। आपके पास अगर मसाले वाली हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठी वाली हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीठी वाली है तो उसे आपको भूनना नहीं है, अगर सौंफ वाली है तो भूनना है। साथ ही साथ आपको 2 चम्मच इसमें अजवाइन डालनी है। उसके बाद आपको इसमें 2 चम्मच जीरा डालना है। मेजरमेंट सेम रहेगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, सौंफ, मीठी और जो मसालेदार दोनों चलेगी। मीठी वाली रहेगी तो आप उसे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करेंगे और अगर मसाले वाली है तो आप इसे रोस्ट करेंगे। तो आपको इसे रोस्ट करना है, आई थिंक हर लेडी को पसंद होगा, लेकिन जिन जेंट्स को नहीं पता है उनको इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगी कि जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे, यानी कि आपको लो फ्लेम पे इसे चलाते रहना है और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना होने लगे, यानी हल्का सा चटकने ना लगे, इट मीन्स कि अभी ये रोस्ट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे रोस्ट करना है और यकीन मानिए आपके पेट से जितनी भी गंदगी है ये ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालेगा, डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा और डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा और आपका वेट ऑटोमेटिक लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इस जो पूरे चीज ने है इसने धुआं छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ये रोस्ट हो चुका है और ये सब कुछ आपको लो फ्लेम पे करना है। यानी आप कढ़ाई पहले अच्छे से गर्म कर लो, देन उसके बाद लो फ्लेम कर दो, देन उसके बाद मसाला डाल लो सारे और बहुत अच्छे से आप इसे मतलब चलाओ और रोस्ट कर लो हल्का सा गोल्डन, मतलब बहुत ज्यादा आप उसे जला मत दो वरना स्वाद नहीं अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आप गैस बंद कर दो। जब ऐसा हो जाए, गैस बंद करने के बाद आपको इसमें हाफ टेबल स्पून से थोड़ी, मतलब फुल टेबल स्पून भी नहीं, हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज्यादा आपको इसमें हींग डालनी है। बहुत मैजिकल वर्क करने वाला है ये आपके पेट पे, एक बार आप जरूर इसे ट्राई करिएगा। पेट की प्रॉब्लम जिनको है वो भी, पेट की प्रॉब्लम जिनको नहीं है वो भी। और इसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, अगर आपके घर में ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे बेलन की हेल्प से भी, जहां पे आप रोटी सेकते हो जिस पे भी या जिस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज करते हो वहां बेलन से आप कस के एक बार दबा दीजिए, ये उसमें भी पिस जाएगा। और अगर मिक्सी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली आपको। तो इसे मैं थोड़ा सा कूल डाउन कर रही हूँ ताकि जो है वो पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो हल्का सा कूल डाउन जब ये हो गया है, देन आपको इसे अपने जार में ट्रांसफर कर लेना है और इसे जो है वो कैसे कंज्यूम करना है वो भी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। 2 तरीके कंज्यूम करने के आपको मैं बताऊंगी, जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे इसे कंज्यूम करिएगा। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कंज्यूम कैसे करना है। तो आप इसे क्या करिए, मिक्सी में आपको इसे बहुत अच्छे से डाल के पीस, आप चाहे मोटा पीसो पतला पीसो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने क्या है इसे रोस्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा ये गर्म था तो कूल डाउन वैसे मैंने छोड़ा था लेकिन फिर भी मैं इसे कपड़े से पकड़ रही हूँ।
तो ये देख सकते हैं आप, धुआं उठ रहा है लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सके तो कूल डाउन होके ही करिएगा। तो मैं इसे डैप टैप इसलिए कर रही हूँ ताकि जितना भी ऊपर है वो नीचे निकल जाए। इसके बाद आपको गुनगुना पानी लेना है और 1 टेबल स्पून भर के आपको इसमें डाल के पीना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप हाथ में लेके चूर्ण खाना चाहो तो आप उसे भी खा सकते हो। जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो तब भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करोगे तो पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छे से होगा और पेट की सारी गंदगी और आंतों की सारी गंदगी आपको बहुत बाहर निकालेगा। और आप वैसे भी ले सकते हो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो एक बार ट्राई करिए और जैसा रिजल्ट हो मेरे साथ रख लीजिए और उसके बाद इसे हम निकल देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ।